2024 से कार खरीदना महंगा होगा। कई सारी कार कंपनियों ने घोषणा कर दी है। मारुति टाटा समेत कई सारी कंपनियां कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। दोस्तों अगर आप भी कार लाने का प्लान कर रहे कि यार 2-4-6 महीने में कभी कार लेंगे तो अच्छी बात यही होगी कि आप दिसंबर 2023 में ही कार पर बुकिंग करवा लें। अभी देखिए हुंडई तो दिसंबर में 1.5 लाख रुपए तक की छूट और ऑफर वगैरह भी दे रही है। फिर जनवरी से हुंडई ने भी कह दिया कि वो कारों की कीमतें बढ़ाएगी, क्योंकि अभी न्यू ईयर से पहले कई सारी कंपनियां ईयर एंड सेल निकाले हैं और अपना स्टॉक आउट करने के लिए कई सारे ऑफर भी चलाए हुए हैं। वॉक्सवैगन, टाइगुन, कई सारी कारों को अभी सस्ते में खरीदने का ये आखिरी मौका है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी कारों की कीमतें 2024 से कितनी बढ़ जाएगी और अभी कंपनियां क्या क्या ऑफर दे रही हैं। तो हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई दोस्तों, जिसमें सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनियां जो हैं उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से ये अपनी कीमतों को बढ़ाएगी। मारुति हो, ओडी हो, टाटा कंपनी, सारी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। कंपनियों ने बहाना भी अच्छा बनाया कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने से ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ेगी और मारुति ने तो इस साल तीसरी बार तक दाम बढ़ा दिए। तो देखिए कौन कौन सी कारें कितनी महंगी मिलेगी। जनवरी में 2% ओडी की कारें महंगी हो जाएगी, लगभग 2% रेटें बढ़ जाएगी, यानी कि 40 लाख तक की कार पर 80,000 रुपए के लगभग आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। इसी तरह से मारुति सुजुकी वगैरह कारें भी महंगी हो जाएगी। कंपनी ने 1 जनवरी 2024 से लगभग 2-3% तक कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मारुति कंपनी का कहना है कि जनवरी 2024 से ही रेटें बढ़ेगी। इससे पहले न्यू ईयर गिफ्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो सस्ते में कार की बुकिंग करवा सकते हैं आप अपने नजदीकी मारुति शोरूम पर जाकर के। ठीक है, और इसी तरह से हुंडई की कारों पर क्या क्या ऑफर मिल रहे देखिए जरा। हुंडई कंपनी का कहना है कि कई सारे मॉडल जैसे कि हुंडई वर्ना, टक्सन, अल्काजार और अन्य मॉडल पर इस साल के अंत तक कंपनी ने कई सारे ऑफर्स की घोषणा की है। ग्राहकों को लगभग 1.5 लाख रुपए तक की छूट, कैश डिस्काउंट और अन्य एक्सेसरीज डिस्काउंट वगैरह ऑफर भी मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप मारुति सुजुकी ने कौन कौन से मॉडल पर रेटें बढ़ाने की घोषणा की है। सुजुकी का कहना है कि स्विफ्ट, ग्रैंड विटारा, अर्टिगा, वेगनार, एक्सेल 6, इको, स्विफ्ट डिजायर, अल्टो, सेलेरियो वगैरह सारे मारुति के जितने भी मॉडल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएगी 2024 से ही। ठीक है, और इसके अलावा महिंद्रा कंपनी भी दाम बढ़ाएगी 1 जनवरी 2024 के बाद। एक्सयूवी 300, 700, बोलेरो, बोलेरो नियो, स्कॉर्पियो एंड क्लासिक, मराजो, थार, एक्सयूवी 400, ईवी इलेक्ट्रिक वगैरह सारे मॉडल्स महंगे होंगे। टाटा में भी टाटा सफारी, टियागो, टियागो ईवी, टिगोर, नेक्सोन ईवी, अल्ट्रोज, हरियर वगैरह सारे मॉडल्स की रेटें बढ़ जाएगी। और इसी तरह से सिट्रोन कंपनी ने भी जनवरी 2024 से 3% कारों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर दी है। वोल्वो कार इंडिया ने भी झटका दिया है, जनवरी से अपनी वोल्वो भी कई सारे मॉडल्स की रेटें बढ़ा देगा। और लग्जरी सेगमेंट की कारें जैसे मर्सिडीज, ऑडी, ये भी महंगे होने वाली हैं। देखिए आप बीएमडब्ल्यू ने भी कहा दोस्तों कि 1 जनवरी 2024 से 2% ये कंपनी रेटें बढ़ा देगी, बीएमडब्ल्यू के कई सारे मॉडल्स महंगे हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा फोक्सवैगन और स्कोडा कंपनी की कारें भी 31 दिसंबर से पहले आप सस्ते में खरीद सकते हैं, ये मौका, उसके बाद महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो जो भी रेटें बढ़ानी चाह रही मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी। तो कहने का मतलब सिंपल यही है दोस्तों, 1-2% 3% तक रेटें बढ़ जाएगी न्यू ईयर के बाद। तो अगर आप कार लाने की सोच रहे हैं तो इससे पहले बुकिंग करवा लें। ओके, और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना इन्फॉर्मेटिव जानकारियां मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।